ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज फिर आप सबका बहुत बहुत स्वागत। इन दिनों हम बात कर रहे हैं उस एस्पेक्ट की अपने जीवन की जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। हम अगर अपने जीवन में देखें कि हम किसे सबसे ज्यादा महत्व देते हैं तो अपने रिश्तों को, वो रिश्ते जो हमारे जीवन का आधार है। अगर हमारे घर में माता पिता के साथ रिश्ता ना हो, बच्चों के साथ रिश्ता ना हो, भाई बहन का रिश्ता ना हो, पति पत्नी का रिश्ता ना हो, या फिर अगर हम बाहर जाते हैं तो ऑफिस में बॉस के साथ या सबॉर्डिनेट के साथ रिश्ता ना हो, या फिर अगर सड़क पर चल रहे हैं तो आम आदमी के साथ रिश्ता ना हो, दोस्तों के साथ रिश्ता ना हो, तो जिंदगी अच्छी नहीं लगती। जिंदगी एकदम से खाली हो जाती है। लेकिन आज हुआ ये है कि रिश्तों में ही दरारें आती जा रही हैं। सबसे नजदीकी रिश्ते भी ऐसा लगता है कि उसमें कोई विश्वास नहीं रह गया, कहीं ना कहीं कोई असंतुलन आ गया है। और ऐसे में हमने, अगर पिछली कड़ी आपको याद हो, हमने बात की थी कि सबसे ज्यादा जरूरी है अपने साथ रिश्ता कायम करना। जब हमने देखा कि हम तो रेगुलरली, पता भी नहीं चलता हमें, लेकिन हम अपने आप से लगातार एक रिश्ता, एक बातचीत करते रहते हैं और वहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है। जब हम एक अपने आप को फोकस करके एक ऐसी बातचीत, एक ऐसी कॉन्वर्जेशन शुरू करते हैं जो हमें एम्पावर करती है, उसके बाद हम उस सक्षमता को लेकर बाकी रिश्तों को देखते हैं तो क्या फर्क पड़ता है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारा सौभाग्य, खास लंदन से हमारे साथ बहुत सीनियर ब्रह्मा कुमारी सिस्टर जयंती बहन हैं, जो कि ना सिर्फ यूरोप के बल्कि मिडिल ईस्ट के जो ब्रह्मा कुमारी के जितने भी सेंटर्स हैं और जिस तरह के कार्यकलाप वहाँ हो रहे हैं उनकी पूरी देखरेख करती हैं। अ वेरी वार्म वेलकम जयंती बहन। ओम शांति। ओम शांति। अगर हम पिछली कड़ी को देखें, थोड़ा सा रिकैप करते हैं अपने साथ जो रिश्ता जोड़ने की बात है, कैसे वो रिश्ता जोड़े, किस तरह का वो रिश्ता हो, और किस तरह से जो आर्बिट्रेली हमारे विचार अपने साथ ही चलते जाते हैं उनको एक दिशा देकर फोकस करके खुद अपने विचारों के मास्टर बने। दो बातें, एक तो खुद अपने आप अंदर झांक करके हम देखें कि मन बुद्धि संस्कारों को आपस में किस प्रकार का रिश्ता है, और साथ ही साथ हम परमात्मा की तरफ अपने संकल्पों की दौरान रखें ताकि बुद्धि का योग हमारा परमात्मा के साथ जुटा हुआ हो, तो जो कुछ भी मुझे अपने जीवन में जरूरत है वो मुझे एक के द्वारा सब प्रकार की प्राप्ति हो सकती। उसमें भी आज मैं देखती हूँ कि जैसे कि आत्मा के ऊपर एक महल चढ़ी हुई है, जिस कारण से कोई भी रिश्ते में सच्चाई अथवा स्वच्छता नहीं बनी रखी है, और उसमें फिर यदि स्वच्छता नहीं होगी तो उसमें कुछ न कुछ गड़बड़ होती ही रहेंगी। मानो कि इस कमरे में यदि स्वच्छता न हो तो मक्खियां पैदा होती रहेंगी और अच्छा नहीं लगेगा, वो आपको काटती रहेंगी। इसी तरह से आत्मा के अंदर जो मैल चढ़ गया है ना, इस कारण से कुछ न कुछ हम किसको धोखा देते हैं, किसके प्रति झूठ बोलते हैं, किसके कंपटीशन में आ जाते हैं, ये सारे मकोड़े कीड़े अंदर घूम रहे हैं, तो वो फिर मुझे भी काटते रहते हैं, और जब मैं औरों के साथ संबंध में आती हूँ उन्हों को भी वो कीड़े कोड़े मकोड़े काटते रहते हैं। तो खुद को जानना और परमात्मा को जानना और वो संबंध जोड़ के रखना, योग के आधार पर अंदर मन की सफाई हो जाती है, बुद्धि हमारी स्वच्छ श्रेष्ठ हो जाती है, तो फिर मैं आपके साथ व्यवहार में आएंगी, हमारे मन में ट्रांसपेरेंसी होंगी। ऐसे नहीं कि कुछ हिडन एजेंडस होंगे, मन में कुछ एक बात हो और बाहर में कुछ मैं और दिखाऊं, नहीं, स्पष्ट बात, सहज बात, सरल बात हमारी होती रहेंगी तो हमारा रिश्ता बहुत ही सुंदर बना रहेगा। तो पहले तो है कि अपने मन को हम साफ करें, अपनी बुद्धि को हम श्रेष्ठ बनाकर रखें। बिल्कुल, और यहीं से शुरुआत होगी सुंदर और जो खूबसूरत रिश्ते, जो सुदृढ़ रिश्तों को जो हम तलाश रहे हैं अपने बाहर। तो आज एक बार फिर हमने रिकैप लिया है कि मेरे मन की स्थिति कैसी होनी चाहिए। हर पल मैं देखूं कि मेरा मन जो है वो क्या, मैंने, और ये कॉन्वर्जेशन इतनी मुश्किल है नहीं जितना हम सोचते थे, कि हम ये कहते हैं कि साइलेंस में जाने से डर लगता है, लेकिन वो साइलेंस में वो कॉन्वर्जेशन तो चल ही रही है, वो हम अपनी आपस में बातचीत तो कर ही रहे हैं, वो विचारों का ताना बाना तो चल ही रहा है, लेकिन क्या उसको मैं सही परिपेक्ष में लेकर चल रही हूँ। तो अगर जहां मैंने अपनी सही डायरेक्शन में अगर पकड़ा, यहाँ जयंती बहन बात ही आती है कि हमने अब ठीक है एक डायरेक्शन में मैं चल पड़ी हूँ, आई एम स्ट्रांग नाउ, आई फील कि ठीक है मैंने अपने आप को वो विचारों का वो एक रास्ता दिया जिसमें मैंने अपनी सही पहचान की, परमात्मा के साथ रिश्ते को समझा और उससे मैंने ताकत ली। अब अगर मेरी सिचुएशंस आती हैं
सुबह का समय लेते हैं, बच्चे तैयार नहीं हो रहे, बच्चे उठ नहीं रहे, या बच्चे जो हैं वो, या मेरे हस्बैंड जो हैं वो मेरी केयर नहीं कर रहे, या जो भी कोई प्रॉब्लम है, या मेड ही नहीं आई मान लेते हैं, तो अब मेरा रिश्ते में मेरे को, मेरा जो व्यवहार है या मेरा जो रिश्ते में जो पहले एक कड़वाहट आ जाती थी या कंटिन्यूस प्रॉब्लम रहती थी, उसमें क्या परिवर्तन हो जाए? एक तो पहले जैसे बताया कि सहनशीलता अपने अंदर आ जाती, आजकल तो जिसको शॉर्ट फ्यूज कहते हैं, बहुत जल्दी वो फ्यूज ब्लो हो जाता है, एक्सप्लोशन आ जाती है, छोटी सी बात किसने मेरे मन पसंद नहीं की और मैंने उसके ऊपर गुस्सा कर लिया, तो जो शॉर्ट फ्यूज हो गया है सहनशीलता की कमी, तो वो शक्ति प्राप्त होने से सहनशील हम बन सकेंगे। दूसरी बात, जो हमारी बुद्धि स्वच्छ होती, क्लीन होती, तो उसमें हमें पता चलता कि दूसरे का क्या आवश्यकता है, तो हम उस आवश्यकता पूर्ण करने के लिए तैयार हो जाते हैं। मानो कि आज बच्चा उठने नहीं चाहता है, तो यदि हम कहते हैं कि ये तो सुस्त है, हम नाराज हो जाएं, उससे तो काम नहीं बनेगा, परंतु यदि हम बच्चे को प्यार से उठा करके उनसे पूछे कि क्यों नहीं मन होता है जाने का, तो वो आपको कुछ न कुछ जरूर बात बता देगा और फिर आप उसको समझा सकेंगे। क्या होता है कि आजकल बच्चे के माँ बाप समझते हैं कि हम खिलौने दे देंगे, एक्सपेंसिव टॉयज दे देंगे, उसमें बच्चे संतुष्ट हो जाएंगे, परंतु बच्चों को क्या चाहिए? क्वालिटी टाइम। 5 मिनट भी आप बैठ करके बच्चे को कोई भी बात समझाओ, तो वो फिर उसमें समझ करके और आगे उसकी जीवन अच्छी बनेंगी। खिलौना दे करके शांत कर दिया, उससे तो काम नहीं बनेगा। और इनफैक्ट जयंती बहन, बहुत अच्छी आपने बात ये कही कि जब वो हमारे से बात कर भी रहा होता है, आजकल हम बहुत क्वालिटी टाइम पे बात बहुत पेरेंट्स कर रहे होते हैं, लेकिन और हम कहते भी हैं कि ओके ओके टॉक टू मी, जस्ट यू नो लेट्स बी ओपन एंड लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट, लेकिन जब वो हमसे बात कर रहा होता है, क्या हम सचमुच उसे सुन रहे होते हैं? राइट, वी आर ईदर लुकिंग एट टेलीविजन, वी आर ईदर यू नो अदरवाइज, और वी आर इन आर ओन कॉन्वर्जेशन, मेरे साथ ऑफिस में ये हुआ या मुझे ये करना है वो करना है, समवेयर वी ऑल नो व्हाट वी आर डूइंग, टेलीफोन आ जाता है, भोजन कर रहे होते हैं, कुछ न कुछ बात। तो कहने का मतलब कि जबकि हमारे पास वो परमात्म शक्ति आत्मा में भरती जाती है, हमको मालूम पड़ता है बड़क शक्ति होती कि दूसरे आत्मा को क्या चाहिए, तो फिर हम उसको संतुष्ट कर सकते हैं, तो फिर संबंध अच्छा बन पाता है। यदि हमको मालूम ही नहीं होता कि उसको क्या चाहिए, एक तो हम खुद को भी नहीं समझ पाते कि मुझे क्या चाहिए, तो दूसरे को भी हम समझ नहीं सकते हैं कि उन्हों को क्या चाहिए, तो संबंध बिगड़ता जाता है। दूसरी बात मैंने देखी है कि जिस समय किसी को भी कुछ बात होती है, एक हमदर्दी, एक सिंपथी, एम्पथी, यदि उस तरह से हम उन्हों को सपोर्ट दे दें, हाँ एक परमात्मा सबका सहारा है, परंतु वो वहां तक अभी तक नहीं पहुंचे हैं, वो मेरे तरफ ही देख रहे हैं, तो मैं माध्यम कि मैं उन्हों को सपोर्ट दी, तो मैं माध्यम बन सकती, फिर उन्हों को वहां तक भी मैं पहुंचा सकेंगी। परंतु आजकल वो मानवता ही नहीं रही है कि हम किसको सिंपथी देवें, किसको हम सपोर्ट करें। और भी बात मैंने देखी है कि जिस समय किसको जो सहयोग चाहिए, हमारे में वो कैपेसिटी नहीं होती है कि हम उन्हों को वो सहयोग देवें। किसको सिर्फ प्यार चाहिए, किसको कुछ समय चाहिए, किसको कुछ दवाई चाहिए, कुछ भी चाहिए, परंतु यदि हमारे अंदर वो शक्ति है कि हम समझ पाए कि उसको क्या सहयोग चाहिए, तो हम वो देने के लिए तैयार होंगे, तो बहुत सुंदर संबंध हो जाएगा। नहीं तो हम टोटली डिसमिस कर लेते, आई डोंट हैव टाइम, आप चले जाओ, तो फिर उसमें से वो संबंध टूट जाता। तो इस तरह के हम जितनी जितनी शक्ति लेते जाते हैं परमात्मा द्वारा, वो शक्तियां हमारे जीवन में काम आती रहती है और फिर वो हमारे संबंधों को बहुत अच्छा एक बना कर रखती है। बिल्कुल आपने सही बात की, लेकिन जयंती बहन जहाँ ये एंगर हर्ट जो है कि मेरे हस्बैंड, मैक्सिमम जो प्रॉब्लम जो रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम आजकल आ रही है बहुत ज्यादा है कि मेरे हस्बैंड के पास मेरे लिए टाइम ही नहीं है, वो मेरी बात ही नहीं सुनते, और मैं तो देती जाऊं, एक अगर हम भारतीय नारी की बात भी करते हैं, अगर हम इंडियन वुमेन की बात करें, तो समवेयर अपनी माँ को, अपने इन लॉज को, अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड को कंटिन्यूस उनके लिए करते जाना, उसने अपना वो बना रखा होता है, यू नो शी थिंक्स दिस इज हर लाइफ एंड देन शी गेट्स टायर्ड,
बिकॉज इफ वी लुक एट टुडे सिनेरियो, अभी तक तो ये था कि उसने उसको जिंदगी माना हुआ था, लेकिन आज शी स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट इट कि व्हाट हाउ अबाउट मी, मुझे क्या मिल रहा है, मैं देती तो जा रही हूँ, देती तो जा रही हूँ, देती तो जा रही हूँ, मुझे तो कुछ भी नहीं मिल रहा, तो मैं कब तक देती जाऊंगी. इवन इफ शी इज कुकिंग, इवन इफ शी इज मेकिंग देम ईट यू नो व्हाट शी इज कुकिंग, शी फील्स कि मैं कब तक करती रहूंगी ये. तो समवेयर यू नो ये जो एंगर, फ्रस्ट्रेशन, हर्ट जो कि इतना डीप रूटेड होता जा रहा है कि वो हर रिश्ते में कड़वाहट डालकर आप बाहर ढूंढने लग जाते हैं. मैं मानती हूँ कि संबंध को प्रायोरिटी देना बहुत आवश्यक है. मैं तो ये भी कहेंगी कि कुछ भी कार्य हो, कार्य सेकेंडरी है, संबंध प्राइमरी है, तो संबंध को बहुत इम्पोर्टेंस दिया जाता है. परंतु मैं देखती हूँ कि दो अलग प्रकार की सीन्स हो सकती हैं. एक तो है कि जिस नारी ने अपना सब कुछ अपने परिवार के लिए ही अपना जान दे चुका है, दूसरा फिर है नारी जो कहती कि हाँ मुझे संबंध को तोड़ निभाना है, अच्छी तरह से जो कुछ मेरे से हो सके मुझे करना है, परंतु साथ ही साथ मुझे अपनी आध्यात्मिक उन्नति भी करनी है. तो अपना समय, अपनी शक्ति, अपना संकल्प, अपना श्वास परमात्मा की याद के लिए, अपनी इंटरनल स्पिरिचुअल स्टडी के लिए देवे, तो कभी भी उसको ये फीलिंग नहीं आएंगी कि मेरे लिए यही संसार है और उस संसार से मुझे कुछ प्राप्ति नहीं हो रही है. उसके लिए जो सत्य संसार है परमात्मा, उस द्वारा जो कुछ प्राप्ति हो रही है उसमें फिर हाँ परिवार के साथ प्यार से चलना है. भगवान हमें यही शिक्षा देंगे. बहुत सुंदर शब्द आता है गृहस्थ आश्रम. आजकल गृहस्थी है, आश्रम तो नहीं है. तो यदि मैं परमात्मा के द्वारा सब कुछ प्राप्त करती जाऊं, मैं घर का वातावरण इतना सुंदर बना करके रखूं जिसमें पवित्रता हो, जिसमें शुद्धि हो, जिसमें प्रेम हो, ताकि पति को आकर्षण हो कि मैं आकर के घर में थोड़ा समय बिताऊं, बच्चों को प्यार हो कि हाँ हम जाकर के घर में माँ के साथ बातें करें. तो ये नारी के हाथ की बात है, घर का वातावरण इस तरह का बना करके रखना. बिल्कुल. लेकिन यहाँ रिश्ता जो हर्ट का है वो अभी तक कायम है. मुझे लगता है कि जब परमात्मा प्यार का अनुभव होता ना, तो वो परमात्मा का प्यार जैसे कि ऑइंटमेंट की तरह से जो वूंड है उसको हील कर लेता है. तो वो हीलिंग कैपेसिटी सिर्फ परमात्मा के पास है, मनुष्यों के पास नहीं है. और फिर हम अपने को प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं ताकि आगे के लिए कोई मुझे धोखा न दे सके, आगे के लिए कोई मुझे दुख न दे सके. और उसमें मैं ये देखती हूँ कि मानो यदि आज के समय कई बारी पति पत्नी दोनों काम पर जाते हैं, तो फिर उसमें एक पार्टनरशिप बनी रहे जिसमें घर का काम भी जो है या बच्चों की भी पालना है दोनों आपस में मिलजुल करके करें. और यदि इस तरह का नहीं है, मानो कि पति काम पर जाता है और पत्नी घर पे बैठी है, वो भी अपना रोल समझ करके अपने घर को इस तरह से एक स्वर्ग का बना करके रखे, तो उसमें भी कोई हर्जा नहीं है. डिफरेंट रोल्स, डिफरेंट सिचुएशंस. बाकी ये बात आती है कि मैं स्पिरिचुअल पाथ पर हूँ, तो वो भी हमारे साथ साथ चले. उसमें फिर हर एक की अपनी डेस्टिनी होती, हर एक का अपना चॉइस होता. हम किसी को भी फोर्स नहीं कर सकते हैं कि आपको इस मार्ग पर चलना है, आपको इस रास्ते पर चलना है. बाकी जो मुझे प्राप्ति हुई है उस प्राप्ति द्वारा वो मुझे देखेंगे कि ये सदा खुश मिजाज रहती है, ये सदा शांति में संपन्न रहती है, सदा ये देती ही रहती है. तो कोई दिन आएगा वो पूछेंगे कि आपको ये सब कुछ कहाँ से मिल रहा. बिल्कुल. अगर हम ये देखें तो ये स्पिरिचुअल जर्नी पे अगर हम हैं, बिकॉज वी वांट टू डू इट, यू नो समवेयर हमें ये ओनस लेना पड़ेगा कि ये मुझे प्राप्ति हो रही है. जी जी. लेकिन यहाँ जयंती बहन, अगर अच्छी है परिवार से भी हम बाहर निकलते हैं, हमारे पास बहुत सारे कॉल्स आते हैं, बहुत सारे सवाल आते हैं कि मेरा बॉस जो है, आई कॉन्ट चूज माई बॉस, द वे आई कॉन्ट चूज माई पेरेंट्स एंड आई कॉन्ट चूज माई यू नो फैमिली, माई रिलेटिव, सिमिलरली आई कॉन्ट चूज माई बॉस. और उसके सामने तो मैं कुछ ज्यादा कह ही नहीं सकती. वहाँ जो उनका जो एटीट्यूड है मेरे प्रति, और हर बार मुझे लगता है कि वो ज्यादा मेरे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, या उसको मैं कैसे परिवर्तित, उसको एक्सेप्ट कैसे करके और उस रिश्ते में कैसे मैं चेंज ला सकती.